क्वेश्चन 13 में दिया हुआ है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो एसएन हमको दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड द mth टर्म इज 164, tn दिया हुआ है 164, m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो tm होगा क्या, tm इज a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो रिक्वायरमेंट ये है कि अगर a और d हमको पता चल जाए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो हम tm निकाल सकते हैं, और tm तो दिया ही हुआ है, m निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो s1 निकालते हैं, s1 क्या होगा 3 प्लस 5 विच इज 8, s1 ही t1 या a के इक्वल होता है, ठीक है। अब s2 निकाल लेते हैं, s2, s2 में क्या करेंगे, n की जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इज 12, 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 22, ये हो गया 10 और ये हो गया 12। तो t2 क्या होगा, s2 माइनस s1, s2 22, s1 कितना आ गया इस 8, तो t2 हमारे पास कितना आ गया, t2 आ गया हमारे पास कितना 4 और 14, तो हमारे पास d कितना आ गया, d इज t2 माइनस t1 विच इज 14 माइनस 8 विच इज 6, तो हमारे पास d आ गया और a आ गया, तो d और a आ गया, तो यहां पर हम वैल्यू रख देंगे, tm इज 164 इज a, a कितना है 8, m माइनस 1 और d कितना है 6, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा 164 माइनस 8 इज 6 टाइम्स m माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 160, 4 माइनस करेंगे तो 160 हो गया, और 160 माइनस 4 156, 156 इज 6 टाइम्स m माइनस 1 12, और 36 is m माइनस 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m इज इक्वल टू 27, ये इसका आंसर हो जाएगा।